आज की वीडियो में हमारे पास है जीएमसी सियारा। इस जीएमसी सियारा जो कि ऑफ रोडिंग है, इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में क्या कुछ फीचर्स हैं, चलो इनको रिव्यू करते हैं। इस जीएमसी सियारा एवोल्यूशन का बेसिकली इंजन है 2.7 310 हॉर्स पावर, 580 न्यूटन मीटर टॉर्क और सिंगल टर्बो के साथ है। फ्रंट बल्कि ग्रिल विद जीएमसी डिजाइन, फ्रंट सिग्नेचर डीआरएल लाइट्स दी गई है, फॉग लैंप्स पे रूम कवर, फ्रंट बंपर पर डिफ्यूजर, साथ में पार्किंग सेंसर्स और फ्रंट बंपर पर दो हुक भी दे दिए हैं क्योंकि ये ऑफ रोडिंग है। साइड प्रोफाइल पर इसके व्हील्स 20 इंच के हैं जो कि जीएमसी की तरफ से ब्रांडेड है। साइड पे हल्के ओवर फेंडर्स हैं, फुटरेस्ट दिया है, एलिवेशन का बड़ा खूबसूरत लोगो दिया है, स्मार्ट एंट्री वाली गाड़ी है। गाड़ी के रियल प्रोफाइल पर देखते साथ ही बिग बल्कि जीएमसी का लोगो अगेन मिलता है, साथ में बैजेस के साथ लावा लाइट्स रियर टेल्स में दी गई, हार्ड कोर रियर बंपर, इसके ट्रंक पर बेड लाइनर भी दिया गया है। इसकी रेयर सीट्स का लेग रूम भी बहुत सस्पिशियस है, रेयर सीट्स पर दो कप होल्डर, रेयर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट भी अवेलेबल है। फ्रंट ड्राइवर साइड पे कंप्लीट सोफा सीट दी गई है, मिड में दी गई सोफा सीट को आर्म रेस्ट भी बनाया जा सकता है। गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मतलब स्पीडोमीटर भी बहुत खूबसूरत है। ये जो ऊपर 4 मीटर्स दिए गए हैं, इसमें बैटरी हेल्थ, फ्यूल कंजम्पशन, कूलेंट टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर वगैरह बता रहा है। इसके मेन एक्सेस यहाँ है, हेडलाइट्स एंड 4x4 कंट्रोल, हेडलाइट्स एंड टेल लाइट्स कंट्रोल बटन। इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं जिसमें नॉर्मल मोड, स्पोर्ट मोड और ऑफ रोड मोड दिया गया है। और इसके स्टेयरिंग के लेफ्ट साइड पर 2 व्हील और 4 व्हील के कंट्रोल के अलग से बटन दिए गए हैं। इसके मल्टीमीडिया में एप्पल कार प्ले स्मैथ बेशुमार सिस्टम्स दिए गए हैं। इसका एसी पैनल भी डिफरेंट लाइट्स में बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके नीचे टाइप सी और टाइप ए दिया गया, 12 वोल्ट का लाइटर वाला भी आ गया, ऑल विंडोज डाउन वाला बटन भी मिल गया। इसके डैशबोर्ड में स्टोरेज कंपार्टमेंट्स भी 2 दिए गए हैं। ऊपर रियर व्यू मिरर के साथ 2 खूबसूरत एलईडी लाइट्स दी गई हैं। इसके अलावा साथ में एयर बैग इंडिकेशन और सीट बेल्ट इंडिकेशन की लाइट्स दी गई। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे फॉलो करके मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा।